हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। काजोल और शाहरुख खान भारतीय सिनेमा की उन सुपरहिट जोड़ियों में से एक हैं जो जब जब साथ में स्क्रीन पर आए हैं तब तब इनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। साथ ही दर्शकों ने भी इन दोनों को साथ में देखने के लिए खूब टिकटें खरीदी हैं। अगर 90 के दशक में रिलीज हुई सबसे ज्यादा आइकॉनिक फिल्मों की लिस्ट बनाई जाए तो उनमें से सबसे ज्यादा इसी जोड़ी के नाम हैं। यही कारण है कि लोग इनकी केमिस्ट्री की दाद देते थकते नहीं हैं। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर काजोल से एक फैन ने शाहरुख को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल काजोल सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैन के साथ एक चैट सेशन रखा था जिसमें उनसे एक फैन ने पूछ लिया कि अगर वो अजय देवगन से शादी नहीं करती तो क्या किंग खान उनके पति होते। इस सवाल का काजोल ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया और कहा, क्या आपको नहीं लगता कि जिस इंसान को मुझसे शादी करनी है उसे खुद पूछना चाहिए। तो देखा आपने, इस तरह से काजोल ने न केवल फैन के सवाल का जवाब दे दिया बल्कि ये भी बता दिया कि जिसे उनसे शादी करनी थी उसने उन्हें पहले ही प्रपोज कर दिया। काजोल ने इसके अलावा भी फैंस के कई सारे सवालों के जवाब दिए जिनमें से एक उनकी और शाहरुख खान की आने वाली फिल्म के बारे में भी था। दरअसल एक फैन ने पूछा कि वो और शाहरुख खान अब कब एक साथ पर्दे पर दिखाई देंगे। इस पर काजोल ने बताया, ये सवाल आपको शाहरुख से पूछना चाहिए। बात करें काजोल के वर्कफ्रंट की तो जल्द ही वो अपने पति अजय देवगन के साथ फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में नजर आने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में इन दोनों के अलावा सैफ भी दिखाई देंगे। वैसे काजोल के शाहरुख संग शादी करने के जवाब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।